नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CTT एंड TET प्रिपरेशन में। पिछले वीडियो में मैं क्लास सिक्स के हिस्ट्री के बुक के चैप्टर वन को एक्सप्लेन की थी, जिसमें कुछ पेज बच गए थे, तो उसको मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। और प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास और तिथियाँ। अंग्रेजी में BC का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट से होता है, तो अंग्रेजी में जो BC होता है इसका तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट से होता है, जिसको हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। और कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD लिखा पाते हो, और कभी कभी तिथियों से पहले AD लिखा हुआ रहता है। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, जो AD शब्द जो है यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, और इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। तो CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BC का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है, ठीक है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए तथा BC का बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयोग होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, और कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले से होता है। और चलिए यहाँ पे देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, अन्यत्र लिखा हुआ है और नीचे दिया हुआ है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं, पिछले वीडियो में मैं इस पे चर्चा की थी अभिलेख पे, कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं, और इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे, और सभी अभिलेखों की लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ था, और सभी अभिलेखों को लिखने में लिपियों तथा भाषाओं का प्रयोग हुआ था, ठीक है। समय के साथ साथ अभिलेख में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आया। जैसे जैसे समय बीतता गया, तो अभिलेख में प्रयुक्त भाषा और लिपि में परिवर्तन आता गया। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। विद्वान इसका पता एक उससे लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया के द्वारा विद्वान इसका पता लगाते हैं। और इस प्रकार के अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश के मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, और इस प्रकार का जो अज्ञात लिपि होता है उसको जानने की एक प्रसिद्ध कहानी भी है, जो उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है, कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। यहाँ देख लीजिए, नीचे जानवरों का और कुछ कुछ चित्र दिया हुआ है, और उसके नीचे लिखा हुआ है। तो आगे देखते हैं, आगे के पेज में हमको पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। मिस्र की उत्तरी तटीय रोसेट्टा नामक एक कस्बा है, यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भिन्न भाषाओं एवं लिपियों में लिखा हुआ है। और मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा था, और वहाँ एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला जिस पे एक ही लेख तीन अलग अलग भाषाओं में लिखी गई थी। यूनानी तथा मिस्र लिपि में दो प्रकार से लिखी गई थी। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ पाते थे, उन्होंने बताया कि यहाँ राजा तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, और जो विद्वान यूनानी भाषा पढ़ पाते थे उन्होंने उसको पढ़ के बताया कि यहाँ राजा तथा रानियों के नाम छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहा जाता है, और इस तरह के फ्रेम को कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हुए। देखिए यहाँ इस पेज में ए अक्षर के लिए चिड़िया का, और एल अक्षर के लिए जानवर का चित्र बना हुआ है। तो ये क्यों बना हुआ है कि चिड़िया के चित्र बने, एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि भिन्न भिन्न अक्षर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। और इससे पता चला कि चिड़िया के लिए ए का प्रयोग हुआ है, और जानवर के लिए एल का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से इसको, इस अभिलेख को आसानी से
पढ़ पाए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट तिथियाँ दिया हुआ है। तिथियाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसको पढ़ लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कृषि का आरंभ, यहाँ देखिए, कृषि का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व हुआ था। इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं कि कृषि का आरंभ कब हुआ था, तो कृषि का आरंभ 8,000 वर्ष पूर्व हुआ था। दूसरा है, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर लगभग 4700 वर्ष पूर्व। अगला है, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। यह क्वेश्चन है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो इस तरह से चैप्टर वन हमारा समाप्त हुआ, और इस चैनल पे मैं एनसीईआरटी बुक के सभी विषयों को एक्सप्लेन करूँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ मैं साइंस, सोशल स्टडीज़ के साथ साथ साइंस को भी एक्सप्लेन करूँगी, सारे विषयों को एक्सप्लेन करूँगी, ताकि CET एग्जाम में हमको हेल्प मिल सके। अब जो लोग साइंस से उसकी तैयारी करना चाहते हैं, जो या साइंस से तैयारी करते हैं, उनके लिए मैं साइंस के बुक को भी एक्सप्लेन करूंगी, और जो सोशल स्टडीज से करते हैं उनके लिए तो मैं कर ही रही हूँ। ठीक है।